अपने संसद में पहने छोटे कपड़े ट्रोलर्स ने धीरे के धमकियां। ब्रिसिलिया, एक महिला राजनेता को संसद में लोकअप ड्रेस पहनने के लिए लोगों ने निशाने पर ले लिया है। कुछ लोगों की हिम्मत तो इतनी तक बढ़ गई कि उन्होंने उन्हें रेप तक की धमकियां दे डाली। यह मामला ब्राजील का है। सोशल मीडिया पर लोगों ने यह धमकियां वहां की एक सांसद एना पाउला को दी है। 43 साल की एना पाउला इसी साल जनवरी में संता कैटरीना से सांसद का चुनाव जीती थी। यह जीत करीब 50,000 वोटों से थी, जो वहां काफी बड़ी मानी गई थी। इससे पहले एना मेयर भी रह चुकी है। संसद में पहनी गई जिस ड्रेस के लिए एना को चुन किया गया, वह अब सोशल मीडिया पर वायरल है। विवाद होने के बाद एना ने सफाई भी दी। उन्होंने कहा कि वह अक्सर ऐसी ही टाइट और लुक अप ड्रेस पहनती है। उन्होंने आगे कहा, मैं जैसी हूँ वैसी ही रहूंगी। मैं इन सब बातों में न पढ़कर हमेशा खुश रहना चाहती हूँ। सांसद एना सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं। यहाँ उनके हजारों जाने वाले उन्हें फॉलो करते हैं। विवाद के बाद अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी एना ने लिखा कि उनके कपड़ों से उनके काम का कोई लेना देना नहीं है। इतना ही नहीं, उन्होंने धमकियां दे रहे लोगों को चेताया भी है कि वह उन पर केस करेगी। ऐप शेयर करें।